नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मित्रों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को घर से नजर उतारने का सबसे सरल उपाय बताऊंगा। अगर आपके घर में क्लेश हैं, घर में बीमारियां हैं, धन नहीं ठहरता, धन नहीं रुकता, घर में नजर लगी हो, तो ये सारे समस्याओं को दूर करने का सबसे सरल आसान उपाय बताऊंगा। मित्रों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आप स्वयं ये उपाय नहीं करना चाहते, दूसरे को बता सकते हैं, दूसरे की घर की उतारा कर सकते हैं और लोगों के समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। घर से नजर उतारने का दो उपाय बताऊंगा, ये दोनों उपाय आपको करना है। जो उपाय अच्छा लगे उपाय भी कर सकते हैं। उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना आपको आपके भगवान, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनके सौगंध, क्योंकि आपके छोटे से प्रयास से किसी के जीवन को आप बर्बाद होने से बचा सकते हैं। क्योंकि किसी के घर में बुरी नजर लगे तो वह घर के सभी व्यक्ति बर्बाद हो जाते हैं, और ये छोटा सा उपाय करके आप जो है लोगों के भला कर सकते हैं, लोगों के कल्याण कर सकते हैं। आप दूसरे के घर की भी स्वयं उतारा कर सकते हैं। उपाय इस प्रकार से है, आपको लेना है गोबर की कंडे। जी हाँ, गोबर की कंडे की आपको आग जलाना है, और इसमें आपको मैं जो चीज बताऊंगा ये चीज डालना है। तो गोबर की कंडे की आपको अच्छी तरीके से आग बना लेने, इसका आग तैयार करना है, और इसमें आपको जो धतूरे नामक फल होता है जिसे हम भगवान शंकर को अर्पित करते हैं, यही धतूरे के बीज को आपको जो जलती हुई आग है, जो कंडे हैं, उसमें आपको डालना है, और इसके पूरे धुएं आपको घर में दिखाना है। कोई भी जगह जो है वंचित नहीं रहना चाहिए, धुएं से जो है कहा जाए तो बचना नहीं चाहिए। पूरे धुआं आपको अपने घर में दिखाना है, और जलाते हुए धुआं दिखाते हुए इस धुएं को घर से तत्काल बाहर निकाल देना है। शिवगढ़ की कृपा से इस उपाय से आपके घर में कितना भी बड़ा नजर दोष लगा हो तत्काल समाप्त हो जाएंगे, टोने टोटके का प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय बता रहा हूँ, इस प्रकार से दूसरा उपाय, आपको बड़े वाला कपूर लेना है, शुद्ध कपूर लेना है, तो आपको कपूर को जलाना है, और जलते हुए कपूर में एक फूल वाला लौंग आपको डाल देना है। फूल वाला लौंग यानी कि जो लौंग टूटने समय फूल होता है वो टूटना नहीं चाहिए, वो वाला लौंग आपको डालना है, और इसके धुएं हनुमान जी महाराज के मंत्र का ध्यान करते हुए, जैसे कि ओम हम हनुमंते नमः, इस प्रकार के मंत्र का ध्यान करते हुए, कोई भी हनुमान जी महाराज के मंत्र का ध्यान करते हुए इसके धुएं पूरे अपने घर में दिखाना, और इसे भी तुरंत अपने घर से बाहर निकाल देना है। तत्काल उसी टाइम से आपके घर में जो लगे हुए नजर दोष हैं, तंत्र बाधा, वो समाप्त हो जाएंगे। उसी टाइम से आपके घर जो है हल्का लगना महसूस हो जाएंगे, और आप जो है इस उपाय से स्वयं के घर की जो उतारा कर सकते हैं, स्वयं के घर में लगी हुई नजर को दूर कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति को आपके घर में नजर लगे इस उपाय से भी उनके सारे नजर उतर जाएंगे। उपाय एक है और इसके फायदा अनेक है, तो दूसरे के घर की भी इस उपाय से उतारा कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना। आपके छोटे से शेयर किसी की जिंदगी को या किसी के घर की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकता है। धन्यवाद। नमस्कार।